Hey everyone, it's Mohammad Al here. तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ तीन वेबसाइट शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने इंटरनेट सर्फ करते वक्त ढूंढी हैं, जो आपके लिए बहुत फन भी रहेंगी और बहुत यूज़फुल भी रहेंगी। तो उनमें से एक वेबसाइट आपकी लो रेजोल्यूशन इमेजेस को हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करती है, और सेकंड वेबसाइट अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को आपकी इमेजेस से रिमूव करती है, और जो थर्ड वेबसाइट है वो मेरी पर्सनल फेवरेट है क्योंकि वो आपकी हेडशॉट इमेजेस को आजकल के एंटरप्रेन्योर स्टाइल की प्रोफाइल्स में कन्वर्ट करता है, और आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपना थीम, कलर या बाकी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वेबसाइट इज़ imageupscaler.com। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब वहाँ से विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट को। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपने सिर्फ वो इमेजेस ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है जो लो रेजोल्यूशन की हैं। तो मैंने तो दो एज एन सैम्पल मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की हैं, तो आप अपनी पर्सनल इमेजेस पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको रॉ इमेजेस के रिजल्ट दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह पिक्सेलेटेड इमेजेस हैं ये सारी, और सेकंड भी दिखा देता हूँ, आप ये भी देख सकते हैं, ये एक स्टॉक फुटेज आई थी तो मैंने बस डाउनलोड कर ली है। सो ऑल यू हैव टू डू इज सेलेक्ट ऑल एंड ड्रैग इट टू दिस वेबसाइट, और दैट्स इट। अब आपने यहाँ से स्टार्ट ऑल पे क्लिक कर देना, या चाहे तो आप इंडिविजुअली एक एक इमेजेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे इन्होंने नीचे एक वीडियो सैंपल भी दिया हुआ है ताकि आप वाकई देख सकें कि इस वेबसाइट से कितना फ़र्क पड़ता है, और उसको कंपेयर किया गया है फोटोशॉप के साथ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं तो आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, तो अब मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, सेम फोल्डर में रख रहा हूँ ताकि कंपेरिजन में आसानी हो। मैं आपको एक एक करके सैम्पल इमेजेस दिखा देता हूँ। ये ओल्ड इमेज थी और ये हमने अभी हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट किया, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। अब मैं दोनों को एक जितना जूम करके आपको दिखा देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क डाल दिया इस imageupscaler.com ने। तो चलिए अब दूसरी इमेज को देखते हैं कि उसका क्या बना। तो ये लो रेजोल्यूशन वाली इमेज थी, और अब मैं हाई रेजोल्यूशन वाली को ओपन करता हूँ और इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओरिजिनल इमेज कितनी पिक्सेलेटेड थी कि यहाँ तक उसका चेहरा भी सही तरह नज़र नहीं आ रहा लड़की का, और जो राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि imageupscaler.com ने उसको कितने ज़्यादा पिक्सल्स दिए हैं और उसको कम अज़ कम देखने के काबिल बना दिया। सो दैट्स अ बिग अप। सो द सेकेंड वेबसाइट इज़ cleanup.pictures, और इसका भी जाहिर सी बात आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आपने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपने अपनी इमेजेस जो हैं वो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। तो मैं एक इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम अपनी इमेज के अंदर कोई भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। यहाँ पे आपको सिंपली एक ब्रश मिलता है, ये आप देख सकते हैं कि जो हाईलाइटेड ग्रीन है ये हमारा ब्रश है, इसका हम साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। और अभी मैंने इसका ब्रश थोड़ा सा बड़ा कर लिया क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट से ज़रा दूर है, और यहाँ पे बस आपने इसको ड्रैग होल्ड करके और फिर आपने इसको छोड़ना है, ये वेबसाइट खुद ही उसी टाइम ऑटोमेटिक लोड होगी और वो आपका ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने इस आदमी को रिमूव कर दिया है बैकग्राउंड से, और मैं उसकी अब शेडो भी रिमूव कर रहा हूँ, और देख सकते हैं कि परफेक्टली इसने रिमूव कर दिया। और यहाँ पे अब एक ओरिजिनल का बटन है, जब तक आप इसको होल्ड करेंगे आपको ओरिजिनल दिखाएगा इमेज, और जब आप इसको रिलीज़ करेंगे तो आपको एडिटेड वर्जन दिखाएगा जो आपके सामने है, और आप इसको वन क्लिक के अंदर डाउनलोड भी कर सकते हैं, सो दैट्स नॉट अ इशू। तो मैं दोबारा स्टार्ट न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, और मैं दोबारा एक न्यू इमेज पे करके दिखाता हूँ ताकि आपका जो डाउट्स हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो इस इमेज में मैं इस बोट और इस जो ये वेव है इसको रिमूव करके दिखाऊंगा। तो जाहिर सी बात है आपने ब्रश का साइज़ उतना रखना है जितना आपका ऑब्जेक्ट हो, तो इसको थोड़ा सा मैं और छोटा कर रहा हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे होल्ड और ड्रैग करना है, आप जैसे अभी देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ, और मैंने अब रिलीज़ कर दिया और ये वेबसाइट ने खुद ही उसको कर दिया। बस ये छोटा सा यहाँ पे इशू आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इमेज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। तो मैं अब आपको ये ओरिजिनल भी दिखा देता हूँ और एडिटेड वर्जन भी दिखा देता हूँ। तो अब मैं इसको भी डाउनलोड कर सकता हूँ एज़ यूजुअल। सो दैट्स ऑल दिस वेबसाइट कैन डू। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर लास्ट वेबसाइट। सो द थर्ड वेबसाइट इज़ pfpmaker.com, और ये भी बहुत सिंपल वेबसाइट है। यहाँ पे आपने सिंपली अपनी जो हेडशॉट इमेज है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और अगर आपको नहीं पता कि हेडशॉट इमेजेस कैसी होती हैं तो वो कुछ इस तरह की होती हैं, ये आप देख सकते हैं। एक और भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, और ये तो मैंने फ़िलहाल अभी गूगल से डाउनलोड किए हैं, तो आप अपनी जाहिर सी बात है ये फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं अगर आपके पास कैमरा या एक अच्छा फ़ोन है। तो बस आपने अपनी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना, तो ये वेबसाइट अपना टाइम लेगी और आपकी जो इमेज है उसको जनरेट करेगी विद डिफरेंट
वर्जन ऑफ योर प्रोफाइल। सो नाउ वी आर डन, और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कितनी ज़्यादा वेरिएशन आ गई है प्रोफाइल इमेज की। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा कलर्स और कितनी ज़्यादा वैरायटीज अवेलेबल हैं, और आप इसको सिर्फ वन क्लिक के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं देख सकते हैं कि अभी मैंने एक इमेज पे होवर किया तो डाउनलोड का ऑप्शन दिखा दिया, और होवर करने पे मुझे एक व्यू का भी आइकन नज़र आता है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं, तो ये मुझे मैचिंग बैकग्राउंड्स दिखाएगा, ताकि आप अपने सोशल मीडिया के लिए एक थीम को फॉलो करते हुए चलें। और यहाँ पर आप देखें हेडर में 3-4 ऑप्शन हैं जो बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो अगर आप इस पे एडिट बैकग्राउंड पे क्लिक करें तो आप अपनी कलर स्कीम डिसाइड कर सकते हैं, या अपना कोई एब्स्ट्रैक्ट जो बैकग्राउंड यूज़ करना चाह रहे हैं आप वो कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप कोई ऑरेंज थीम लेके चल रहे हैं अपनी ब्रांडिंग का, तो आप ऑरेंज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इन वन क्लिक सब इमेजेस के जो बैकग्राउंड्स हैं वो आपकी ब्रांडिंग के हिसाब से बदले जाएंगे। और इसी तरह आप जब आई पे क्लिक करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके जो यहाँ पे मैचिंग बैकग्राउंड हैं वो भी उसी थीम कलर के हिसाब से हो जाएंगे। और अगर आप इनमें से कोई भी एक डाउनलोड करना चाहें तो बस आपने उस पर हवर करना है और ये आपका डाउनलोड का ऑप्शन वहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ नीचे आप ये सैंपल देख भी सकते हैं, आपको प्रीव्यू भी करवाया जा रहा है, तो दैट्स वेल एंड गुड। और ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, अगर मैं इस पर जाऊँ तो यहाँ पे आप अपनी इमेजेस के अंदर शेडोज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं शेडो पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा शेडो आ चुका है इस इमेज के अंदर भी, देख सकते हैं आप इस इमेज के अंदर भी आ गया। चाहे तो आप नो शेडो भी सिलेक्ट कर सकते हैं या डिफरेंट शेडोज़ की वैरायटी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर नो शेडो ही ज़्यादा बेहतर लगता है और प्रोफेशनल भी लगता है। और अगर आप कुछ ज़्यादा मल्टीपल चेंजेस कर देते हैं जो आपको बाद में बुरे लगने लग जाएं, तो आप यहाँ से रिवर्ट चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर वन क्लिक करूँगा तो मुझे दोबारा कन्फर्मेशन मांगेगा, और अगर मैं ओके प्रेस कर दूँगा तो सब कुछ दोबारा रीसेट हो जाएगा। और अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करूँ जहाँ पर ये पेंसिल बनी हुई है, तो यहाँ पे आप अपनी इमेज के जो रोटेशन स्केल और ये बाकी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको जब सेव करेंगे तो ये दोबारा से आपकी ये जो प्रोफाइल्स हैं इसको रीजनरेट करके आपको दे देगा। तो जैसे कि आपको जैसे ये प्रोफाइल पसंद आई है तो आप इस पे डाउनलोड पे क्लिक करें और ये वन क्लिक के अंदर आपका यहाँ पे डाउनलोड पूरा कर देगा और आपको दिखा देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमें दिखाई गई है इमेज वही हमें डाउनलोड करके दी गई है विदाउट लूजिंग एनी क्वालिटी। तो अगर आप ज़रा सोचें तो आप ये तीनों वेबसाइट को एज अ सर्विस ऑन फाइवर और बाकी प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो डू शेयर योर फेवरेट वेबसाइट इन द कमेंट बिलो, मुझे जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।